हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दया कनहा लाइफ स्टाइल। इनकी वीडियो पाते आरे एम्ब्रॉयडरी वर्क काटपे इनकी ना इना वर्क पड़े अभी उंगे ना शेर पड़पे। ओके पाती ब्लौस वो रोम सिंपलान वर्क नेकलाइन वो रोम सिंपल बिकनसाकूँ वर्क पड़ेल। ओके ना इना पड़े ना वन बै वन उंगे ना शेर पड़ी। ओके पाती ब्लौस वो मेटालिक बीड्स यूस पड़े। फर्स्ट वो पाती कलर जरी थ्रेड वो टू लाइन चेन स्टिच पटेद मेटालिक बीड और लाइन को फिनिश पड़े। अदक पाती वी शेप कुछ अंत गैप वो फ्रेंच नॉट ग्रीन कलर सारी कॉम्बिनेशन ग्रीन कलर वो फ्रेंच नॉट पोटे। पाती वी शेप को सैडल वो सिक्स बीड्स वर्मी अदार इन सैड लेंथ वर्णों सिक्स पड़ला इलेना फैकल अंतमारी स्लोपा तचिटे वर्दीना इत वो मार्किंग पड़ी पड़नों अवश्यमे नम्बर तको नमक वो आलटर्नेटिव अडिया वो वहटे वे नम अ तचिटे पड़ा। सेन्टर पाती नार्मल नीडिल और फोर स्टांसा वरी एट स्टांसा वो ना चिना चिना फ्रेंच नॉट पड़े अब वो नीटा अद फिक्स आगे मारे नीटा वंर। ओके रोम सिंपलान वर्क पाती और लाइन वो मेटालिक बीड वो कुछ फिनिश पड़े। की नम्बर पाकंबूद और गोल्ड बीड और मेटालिक बीड चिना चिना नम्बर वो कुछ तली तली स्टिच पड़ी ना। ओके सेंटर वो पड़नों वायलेट कलर थ्रेड लवंगा स्टिचन सोलवा पाती फ्रेंच नॉट पड़े मादरिये कुछ तली वे तकनों अदा वो लवंगा स्टिचन सोलवा अब चिना नम्बर लवंगा स्टिच पड़े पाक सूपर बाहर एपी नीटा वन डिजाइन पाती रोम ने पाती पार्कबूद सूपर पक पकोद कुछ नम्बर गैपे नहींटा तच मेरी पाती सूपर सिंपलान नेकलाइन अदक पाती बुटास वो अंतर सिंपल और फ्लवर मारे मुड़चें अवलोदा पारें बीड को रउंडा मेटालिक बीड वो सेवन एट बीड्स को फिनिश पड़े अवलोदा अंत नेकलाइन गैप एलिए कवर पड़े मारे मार्क पड़ी अंत बुटास मुड़चें अदमारी अत पाती सैड नेकलाइन फ्रंट नेक पाती अंत फ्रंट नेक लाइन इेमारी डिजन फिनिश पड़े पर फर्स्ट वो क्लियर उदा इतना अकन वो करक्टा टेलर वे ना मार्क पड़े मेरी स्टिच पड़ी फिनी पड़े सिंपलान वर्क अवलो कष्ट इंड्स मटा कुछ ग्रांडा केटर कस्टमर इत हेंड्स को वह कुछ ग्रांडा पड़ला अब अंत सारे वो मैल डिजन डिजन ना ट्रेस पड़ी अगे मार्क पड़े फा ना वो इतमी लाइन मारे स्टिच पड़ी फिनी पड़े। ओके पाती हेंड्स एपी पड़ी क्लियर चलिए वांग पाती नेकलाइन एपुमें अंत नारे हेंड्स को मुड़चें एक्साक्ट सारी अल्वक ना वो अंत मैल डिजन वरजी अब ट्रेस पड़ी एटे फर्स्ट पाती पासी वो अवटन फर्स्ट फुला फिल पड़े फिल पड़ी फिनी पड़द वो सिल्क थ्रेड ग्रीन कलर सिल्क थ्रेड चेन स्टिच ने ना तचर पर नोदा नहींटा फिनीिंग अदक्रम स्टोन वे ओटे अब हेड पार्ट वो पाती फिल्ली सेन्टर कुछ एमोजा तरीन और रेन स्टिच पड़े अदक अंत फिल्ली पड़ोन कुछ तूकल अब सैड पाती आलटर्नेटिव चेन स्टिच को शेपुक वो रिवर्स चेन स्टिच अदारे तिरपी पटे सूपर वो अत पाती फिल्ली पर एम्बोस्डा वर्ग मेरी थ्रेड वे कुछ तचिटे अदक फिल पड़ोन इेमारी नहींटा वो अत पाती लेग वो गोल्ड कलर जरी थ्रेड वो
செயின் ஸ்டிச்சு தான் போட்டிருக்கேன். போட்டு அதுக்கப்புறமா பாசியை போட்டு அவுட்லைன் வந்து ஜெரியை கொடுத்து ஃபினிஷ் பண்ணிட்டேன். ரெண்டுமே சின்ன சின்ன லெக்ஸு வந்தனால கொஞ்சம் நீட்டாக பண்ணிக்கணும் நம்ம. அடுத்து வந்து தோகை. தோகை வந்து அதே மாதிரி ஃபில்லிங் ஸ்டிச்சு தான் பண்ணணும். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஃபிஷ் போன் தையல் மாதிரி போட்டுக்க வேண்டியது தான், கொஞ்சம் தூர தூரமாக தெரியும். அடுத்து இதெல்லாமே ஃபில்லிங் தான், எப்பவும் போல் ஃபில் பண்ணுறது. அதுக்கப்புறம் பீடை கொடுத்து, அடுத்து ஸ்டோன் செயின் கொடுத்துட்டு, அடுத்து திரும்பியும் பீடை கொடுத்து ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு, அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி க்ராஸ் க்ராஸாக தைப்பாங்கள அந்த மாதிரி தைச்சி ஃபினிஷ் பண்ணிக்கணும். கொஞ்சம் நெருக்கமாக தைக்கணும் இது வந்து, அவ்வளோதான். ரொம்ப ஃபினிஷிங் வந்து ரொம்ப நீட்டாக வந்திருக்கு பாருங்களேன். ரொம்ப பொறுமையாக தைச்சோன்னா நீட்டாக வந்துடும். அதுக்கப்புறம் அவுட்லைன் வந்து ஜரியிலேயே 2 times ஜரி கொடுத்துருக்கேன், அதனால தான் கொஞ்சம் பிரைட்டாக தெரியுது நமக்கு. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரொம்ப சிம்பிளான டிசைன் தான். ஓகே, இப்போ அடுத்து பார்த்திங்கன்னா லைன்ஸு. லைன்ஸு வந்து எப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு அந்த மயில் டிசைன் முடித்தவுடனே ஒரு ஸ்கேல் வச்சு ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வந்து ட்ரா பண்ணிக்கோங்க. ட்ரா பண்ணிவிட்டு ஒரு 1 inch கேப் கொடுத்து இன்னும் அடுத்த லைன் நீங்கள் ட்ரா பண்ணணும் அப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த 1 inch கேப்பு கரெக்டாக வந்து மார்க் பண்ணிடணும். மார்க் பண்ணிவிட்டு அடுத்தடுத்து லைன்ஸ் ட்ரா பண்ணிகிட்டே போயிடணும். அவ்வளோதான், ரொம்ப சிம்பிளான லைன்ஸ் தான். அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்டிச் பண்ணும்போது மெட்டாலிக் பீட்ஸ் கொடுத்துட்டு, அடுத்து ஒரு கோல்டு கலர் கொடுக்கும்போது எவ்வளோ கேப்புக்கு நம்ம கொடுக்குறோமோ அதே அளவுக்கு தான் அடுத்து மெட்டாலிக்கும் கொடுக்கணும். அடுத்த லைன்லேயும் பார்க்கும்போது நமக்கு டிஃப்ரென்ஸ் தெரியணும். அந்த கோல்டு பாசி கொடுத்ததுலேருந்து கொஞ்சம் கீழே இறக்கி கொடுத்தோம்னா கொஞ்சம் ஆல்டர்னேட்டிவாக நமக்கு வந்துகிட்டே இருக்கும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அவ்வளோதான், சிம்பிளான டிசைன் தான். இந்த வீடியோ எல்லோரும் பார்த்தீங்கன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அதே மாதிரி அந்த பெல் ஐக்கான் டச் பண்ணுங்கள், எல்லா நோட்டிஃபிகேஷனுமே உங்களுக்கு வந்துகிட்டே இருக்கும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அடுத்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் பார்க்கலாமா? அன்டில் தென் பாய்.